हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज अभिषेक इज़ गोइंग टू कम बैक। तो आज मैं आपको अपना दिन दिखाऊंगी, मार्केट जाऊंगी मम्मी के साथ, वहाँ भी आपको लेके चलूंगी। मार्केट नहीं एग्जैक्टली, थोड़ा पास में ही शॉप है मैट्रेस एंड बेडशीट वगैरह की। तो मम्मा को कुछ बेडशीट्स वगैरह चाहिए थी, तो वही सब लेने हम जाएंगे। और ये चल पड़ी मेरी और मम्मी की सवारी शॉपिंग करने। सो हाय अगेन गाइज। सो हम अभी, जैसे मैंने आपको दिखाया था, हम मार्केट गए थे एंड वहाँ से मम्मा ने कुछ बेडशीट्स ली हैं, कुछ पिलो कवर लिए हैं। तो मैंने सोचा, मार्केट भी नहीं, हम पास ही गए थे बिकॉज माय बेबी इनायत वॉज स्लीपिंग, तो थोड़ा सा टाइम था। तो हमने सोचा फटाफट से जाके मार्केट से मम्मा को कुछ बेडशीट्स वगैरह चाहिए थी, तो वो ले लेते हैं। तो या आपको दिखाती हूँ। वैसे ना, जो छोटे शहर होते हैं ना, उनमें एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि वहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, एटलीस्ट देसी चीज़ें जैसे बेडशीट्स, पिल्लो कवर्स, ये सब काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं और 100% कॉटन के भी मिल जाते हैं। मुझे पर्सनली, इफ यू विल टॉक अबाउट मी, मेरे को कॉटन की बेडशीट्स बहुत पसंद है और आई थिंक सबको पसंद होती है। बट जो ये मॉल वगैरह में मिलती है ना, वो कभी भी 100% कॉटन नहीं होती, उसके अंदर मिक्स होता ही होता है कुछ ना कुछ, एंड वो इतनी अच्छी नहीं लगती, वो खिसकती रहती है, उस पर सिलवटें आती हैं, एंड समहाउ इट बॉदर्स मी अलॉट। तो यहाँ पे काफी अच्छी बेडशीट्स मिल गई एंड काफी अफोर्डेबल प्राइस पे भी मिल गई, आपको दिखाती हूँ। सो देखिए, ये है फर्स्ट बेडशीट, काफी अच्छा प्रिंट है एंड काफी अच्छी है। इसके अंदर अगेन दो पिलो कवर्स हैं, काफी सुंदर लगी ये भी बेडशीट मुझे। एक ये बेडशीट है, ये भी काफी अच्छी लगी मुझे, दिस इज द प्रिंट, काफी सुंदर है। एंड ये है थर्ड वन, ये इसका प्रिंट है। तो ये 7700 की पड़ी है, 950 अराउंड इनका प्राइस था और भैया ने 700 की लगा दी, एंड ये वाली आई थिंक 600 की लगाई है उन्होंने। तो या एंड ये दो पिल्लो कवर्स लिए हैं, ये ग्रीन कलर का एंड एक गोल्ड कलर का। एंड ये पिल्लोज हैं जो फूल जाते हैं, आई थिंक एयर के उससे ये फूल जाते हैं, तो ये दो पिल्लो लिए थे। और ये कुशन कवर्स लिए हैं, एंड ऑल्सो मैंने ये ली है वाइट कलर की बेडशीट। समाओ जो होटल्स वगैरह में वाइट कलर की बेडशीट बिचती है, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। एंड ये कभी भी आपको मिलेगी अगर वन कलर में, तो वो कभी भी कॉटन में नहीं होती, तो ये कॉटन में मुझे मिल गई एंड इसका प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल था, 500 रुपये की भैया ने दी है, तो ये भी मैंने ले ली। और ये मम्मा ने लिया है बूस्टर जो पिल्लो होते हैं उनका कवर, ये भी काफ़ी एलिगेंट लग रहा था। ये मैं और मम्मा शॉपिंग कर कर आए थे, मेजरली सामान तो मम्मी का ही है, मेरी सिर्फ एक व्हाइट कलर की बेडशीट है। सो हाय अगेन, अब देख सकते हैं मेरी आंखों में आंसू है, बट द रीजन इज मैं चॉप करी थी प्याज। तो इनायत इज स्टिल स्लीपिंग एंड अभिषेक इज कमिंग, सो आई थॉट मैं मम्मा की थोड़ी हेल्प कर दूं। तो मैं किचन में बना रही हूँ कढ़ाई पनीर, बहुत बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई डे। सो ये मेरी चॉपिंग चल रही है, प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं, ये गार्लिक पड़ा है इससे मैं थोड़ा गार्लिक डालूंगी, ये टमाटर है, हरी मिर्च है एंड शिमला मिर्च इज येट टू चॉप। बाकी ये प्याज मैंने छील के रखे हैं, मैं प्याज और टमाटर की चटनी बनाऊंगी, तो ये भी बहुत ही यम्मी लगती है, मेरे घर पे भी मेरे ब्रदर को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आई थॉट कि प्याज टमाटर की चटनी भी बना देती हूँ साथ लगते ही। तो मैंने ये प्याज टमाटर की चटनी बनाने के लिए प्याज छील के रखे हैं। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने ये शिमला मिर्च चॉप कर ली है, हरी मिर्ची चॉप कर ली है, प्याज मैं आपको बता चुकी हूँ प्याज मैंने चॉप कर लिया है, एंड ये गार्लिक को मैंने पीस लिया है अच्छे से, एंड यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, दो टमाटर मैंने चटनी के लिए लिए हैं और दो टमाटर सब्जी के लिए लिए हैं, टमाटर बहुत महंगे हैं गाइस। और ये मैंने चटनी बनाने के लिए प्याज काटे, तेल गर्म हो गया है एंड मैं जीरा डाल दूंगी अब इसके अंदर, जीरा तड़कने लगा है तो मैं प्याज डाल दूंगी इसके अंदर, प्याज पिंक होने लग गए हैं तो मैं इसके अंदर शिमला मिर्च एंड हरी मिर्ची डाल दूंगी और इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूंगी। प्याज और शिमला मिर्च कुक होने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है टमाटर, अब मैं इसके अंदर डालूंगी मसाले, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला। सब्जी को मैंने ढक के पकने के लिए छोड़ दिया है टमाटर, ताकि थोड़े गल जाए। यहाँ पे हमारी वेजीज सारी कुक हो गई है, तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी पनीर, यहाँ सब्जी में मैंने पनीर भी डाल दिया है, अब मैं इसके अंदर डालूंगी मलाई, घर की मलाई,
एंड थोड़ा सा, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध एंड मलाई डाल दी है, एंड मैं इसको अब ढक के 5 मिनट पकने के लिए छोड़ दूंगी एंड मेरी सब्जी तैयार हो जाएगी। मीन वाइल चटनी के लिए मैंने ऐसे रफली प्याज को और टमाटर को चॉप कर लिया और हरी मिर्ची भी चॉप की है इसके अंदर, दोनों को एक साथ ग्राइंड कर लूंगी एंड तभी मैंने रफली चॉप। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी देसी घी। देसी घी यहाँ मेरा मेल्ट हो गया है, ये मैं डाल रही हूँ प्याज का पेस्ट। बाय द वे मैंने प्याज और टमाटर मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, आप चाहें तो थोड़ा सा हैंडी वगैरह से यू कैन यूज टू क्रश इट, बिकॉज थोड़ा सा मोटा मोटा प्याज अच्छा लगता है, मोटा मोटा प्याज टमाटर, बट मेरे को जल्दी थी तो मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। साथ में ही मैं टमाटर भी डाल दूंगी और मसालों में मैं डालूं इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इसको हाई फ्लेम पे, जब तक इसका पानी नहीं सूखता तब तक इसको पकाते रहेंगे, एंड इसके अंदर फिर हम चीनी डाल के थोड़ा सा पकाएंगे एंड हमारी चटनी जो है वो तैयार है। अब देखिए पानी ऑलमोस्ट सूख गया है टमाटर का, अब मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी और ये देखिए हमारी चटनी बनके तैयार है। अगर आप ट्राई करें तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, पर मैं सजेस्ट करूंगी ट्राई जरूर करिएगा, ये दाल के साथ बहुत ही स्वाद लगती है। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय दिस व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।